तो बिल्कुल अलग, फुली मॉडिफाइड, मतलब इतनी मॉडिफाइड बाइक मैंने कभी चलाई भी नहीं है इस तरीके की, और इंट्रूडर बेस है इस पे। इस बाइक में लगी हुई है 10 लाख रुपए की एक्सेसरीज। ये आ गई लिस्ट कम्प्लीटली, और देखो कितनी लंबी लिस्ट है। अरे बाप रे, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ ये इतनी लिस्ट है, माई गॉड। वैसे आज का व्लॉग काफ़ी लेट आया, करीब करीब मैं 11 बजे के आसपास डाल पाया, 11:10 पे शायद, क्योंकि हम जब ट्रैवल करके आए तो इतना थक चुके थे कि थकान इतनी हो गई कि थकान से हम बाहर ही नहीं निकल पाए दोनों के दोनों। हाँ भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी एक्चुअल में। हमने तो सुबह 8 बजे का अलार्म भी लगा लिया था, सुबह 8 बजे का अलार्म लगाया, उठ ही नहीं पाया। 9 बज गए उठते उठते, 9 बजे भी फिर मैं आके सिस्टम पे बैठा, मैंने व्लॉग चालू ही कर दिया। मैंने कहा देख लेते हैं, चलो कोई कमी है तो मैं ही थोड़ी बहुत दूर कर देता हूँ, और थोड़ी बहुत कटिंग्स थी वो कटिंग्स की। तब तक ये भाई फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आए और इन्होंने काम चालू किया, तो काम चालू करते करते भी मेरे ख्याल से अपने को हो ही गए थे 9:30 के आसपास। 9:30 हो गए थे, फिर 10 बज गए, मतलब एक्सपोर्ट होने में 11 बज गए, मतलब सब कुछ करते कराते वो पूरा सब करते कराते 11 बज गए, एंड 11 बजे वीडियो डाला। एनीवेज तब से सुबह से मम्मी से गालियाँ खा रहा हूँ कि फटाफट जाओ, छबील लगी हुई है, एंड छबील पर जाके रूह अफ़ज़ा चीनी एंड दूध दे के आओ, इतनी देर हो गई जा क्यों नहीं रहे। तो मम्मी ने कहा कि जाओ देके आओ, मैंने कहा मम्मी नहा के तो जाऊँ, मम्मी कहती है नहीं ऐसे ही जा। मैंने कभी बिना नहाए तो मैं नहीं जाने वाला, प्रसाद देके आना है अल्टीमेटली, बिना नहाए नहीं जाऊँगा। तो फटाफट से नहा के बाहर निकले, टाइम हो गया अभी 12:30, तो फटाफट चलते हैं यार। आज ना मम्मी से बहुत डांट पड़ी है, तो एक मिनट जरा मम्मी से मिलवा ही देता हूँ। हाँ जी सत श्री अकाल, गुरपुरब की विशेष कर दो सारे। शहीदी गुरपुरब है, अच्छा ओहो, ते प्रोग्राम चल रहे एरिया ते की सवेरे तो डांट क्यों रहे हो मैं ते नहीं कभी छड़ पाऊंगा रह के आऊं बोतल पर। सुबह से डांट पड़ रही है, बोतल भर के लेके भी आना है। एनीवेज फटाफट जाता हूं करके आता हूं, सुबह से डांट रही है मेरे को, डांट पड़ रही है सुबह से। सामान मैं ले आया और फाइनली मम्मी खुश रहेंगी भाई, घर वालों को खुश रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली मम्मी को। मम्मी खुश तो जिंदगी में सब कुछ मतलब खुश है। चलते हैं देखिए अपने तो ये लगी हुई छबील, और मैं यहाँ पे अब सामान दे के आ जाता हूँ, और यहाँ से चलते हैं अब एक स्पेशल जगह। स्पेशल मतलब अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्पेशल ही होता है आजकल, तो क्योंकि लॉकडाउन खुल गया गाइस, एंड बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं अभी भी, बहुत सारी मतलब बहुत सारी, इतनी सारी न्यूज़ हैं कि अगर देता रहूँ ना तो 15 दिन तक तो हर वीडियो में न्यूज़ देते हुए निकल जाएंगे। A few moments later. तो मैं अंदर जब सामान देने गया तो दूध की थोड़ी सी अंदर कमी हो रही है, उन्होंने कहा कि 10 किलो मतलब 10 लीटर दूध और अगर ला सकते हो तो ले आओ। तो एक काम करते हैं 10 लीटर दूध फटाफट से ला के और दे के आते हैं, ताकि यहाँ का काम खत्म हो जाए। और आदेश अगर आया है तो आदेश को मान लेना चाहिए, ऊपर से आदेश है जी, कर लेना चाहिए। चलो काम करें। तो आजकल टर्बो फैमिली का प्यार देख के ना मज़ा आ जाता है। मतलब मैंने एक पिन मैसेज किया था जिसके अंदर मैंने लिखा था कि आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, और अगर मैं कुछ काम करने वाला हूँ मतलब कुछ इंडिया में ऐसा करने वाला हूँ जो कभी किसी यूट्यूबर ने तो नहीं किया है, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपसे कोई पैसे मांग रहा हूँ या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मुझे सिर्फ आपका मॉरल सपोर्ट चाहिए। तो मॉरल सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आई बिलीव। तो अभी ऑफिस में हूँ, काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा था, एंड थोड़ी देर हो गई बैठे हुए अपना कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कमेंट्स के अंदर सारे फुल सपोर्ट, मज़ा आ गया पढ़ के यार गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। तो अपन आ गए शोरूम में अपने, और काम आज का कंप्लीट हो गया, टाइम हो रहा है करीब 1:30, तो 1:30 बज चुका है, एंड मेरा काम आज जल्दी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा शोरूम का एक वॉक अराउंड, और उसके बाद चलते हैं यहाँ से NS1। आज मुझे कुछ काम है, कुछ सामान मुझे पिकअप करना है, तो एक काम करते हैं वहाँ पे सामान भी पिकअप कर लेते हैं, प्लस वहाँ पे जो जो बाइक्स खड़ी हैं वो भी एक बार दिखा देते हैं। तो ये ऐसा दिखता है कुछ अपना ऑफिस, और ये रहा अपना शोरूम। तो ये आ गई अपनी कॉफ़ी फाइनली, और ऐसा दिखता है अपना कुछ शोरूम। शोरूम में आज काफ़ी सारी कार्स, और हाँ पर्टिकुलर ये कार वन ऑफ माय फेवरेट, दिस इज़ S5, बहुत ही पावरफुल कार है। मास्क क्यों पहना हुआ है वैसे, मैंने शोरूम के अंदर कोई है भी नहीं, तो S5 और बहुत ही ज़बरदस्त चलती है। इसका अगर व्लॉग नहीं देखा है ना तो ऊपर कार्ड दे रहा हूँ, देख लेना, अल्टीमेट व्लॉग मतलब अल्टीमेट चलती है, ड्राइव क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त जिसकी हद नहीं। तो एक काम करता हूँ एक बार हार्ले दिखाता हूँ, शोरूम में अपन ने पार्क कर दिया है, और हायाबुसा भी आज यहीं पर पार्कड है, आ जाओ। तो ये खड़ी गाइस हायाबुसा, द माइटी हायाबुसा।
तो ये लॉकडाउन के चक्कर में अटक गई, नहीं तो अभी तक बिक जाती वैसे, क्योंकि काफ़ी डिमांड वाली बाइक है और ये अभी भी फुल डिमांड में है। पुराना वाला मॉडल अभी भी, मतलब नई वाली डेफिनेटली बहुत अच्छी बिक रही है, पर पुरानी वाली अभी भी ज़बरदस्त बिक रही है, क्योंकि जो भी नई वाली ले रहा है वो हमें मतलब उनसे जो मुझे रिव्यूज़ मिले, मैंने अभी तक चलाई नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि पावर थोड़ी सी कम है उसकी कंपैरेटिवली टू दिस। तो दिस इज़ 197 BHP और वो वाली है 190 BHP, तो 7 BHP कम है। प्लस ये वाली रॉ बाइक है तो उसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से थोड़ा सा और पावर कम हो जाती है प्रैक्टिकली। तो बाकी तो देखो अब चला के पता लगेगा। तो जल्दी अपन राइड करेंगे, टेस्ट राइड व्हीकल या तो आ जाए तब करेंगे, या फिर एक बार अश्विन भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि दे दो भाई थोड़ा चलानी है, तो अश्विन भाई वैसे भी मना नहीं करते अपने को। तो हार्ले दिखाता हूँ, तो गाइस ये खड़ी अपनी हार्ले, और जल्दी इसका कंप्लीट वीडियो विद राइड और प्लस इसमें जो एसेसरीज लगी हुई हैं वो भी दिखाऊंगा अच्छे से बहुत डिटेल में, और कितने पैसे लगे वो भी बता दूंगा, कितने के लिए वो भी बता दूंगा, रिवील कर दूंगा फर्स्ट क्लास। कमेंट्स करो और बताओ मुझे कि ये वाला रिवील चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अंदर जाके दिख गई, मैं वापस बाहर आया, मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग। वैसे मैं इसको ज़्यादा कवर करने नहीं वाला था, लग रहा था कि स्टोरी में कवर कर देंगे, पर ये वाली बाइक जो है ना ये दिखानी बनती है, और बाई चांस की बात है जो अपन ने नई बाइक ली है ये बिल्कुल उससे रिलेट भी कर रही है। तो एक काम करते हैं चलते हैं अंदर और बाइक रिवील करता हूँ। फाइनली आई एम इनसाइड द शोरूम एंड सबको पता है मेरे को यहाँ पे कैसा फील होता है, मतलब दिस इज हेवन फॉर मी, बिलीव मी। तो इस बाइक के ऊपर अगर 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 व्लॉग बनाना हो तो आई नीड कितने भाई, 5000 कमेंट्स है ना, 5000 कमेंट्स इस बाइक के लिए। तो बिल्कुल अलग, फुली मॉडिफाइड, मतलब इतनी मॉडिफाइड बाइक मैंने कभी चलाई भी नहीं है इस तरीके की, और इंट्रूडर बेस है इस पर, मतलब ये इंट्रूडर के बेस पे बनी हुई है एंड अमेजिंग, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त लग रही है। 5000 कमेंट्स सीरियसली बना दूंगा, स्पेशल आऊँगा, चाहे गर्मी में बनाना पड़े गर्मी में बना दूंगा। वैसे भी इतनी गर्मी है कि मतलब व्लॉग बनाने के लिए भी एसी चाहिए, बाइक चलाना तो मतलब बहुत ही दूर की बात है। तो यहाँ पे खड़ी है एक 650F, ये काफ़ी लोग बाइक ढूंढते रहते हैं, अगर ये वाली बाइक लेनी हो किसी को तो कॉन्टैक्ट कर सकता है NS1 पे। प्लस एक Z900 बहुत ही स्पेशल कलर में, मतलब ये कलर देख के मज़ा आ गया, ज़बरदस्त कलर है बिल्कुल। तो अगर ये भी लेनी हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर आज अपन ये नहीं दिखाने वाले, आज का हमारा सब्जेक्ट है ये हार्ले डेविडसन फैट बॉय। सो गाइज जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, मतलब दिस इज लुकिंग सो ऑसम, सो अमेजिंग बाइक, मतलब इतनी एसेसरी लगी हुई है ना इस बाइक पे जिसकी हद नहीं। इस बाइक में लगी हुई है 10 लाख रुपए की एसेसरीज यार, मतलब इमेजिन करो एक बाइक के ऊपर 10 लाख रुपए का अगर कोई सामान लगा दे तो वो बाइक कैसी दिखेगी। एग्जैक्टली ऐसी दिखेगी यार, देखो तो इसको, मतलब चारों तरफ सामान ही सामान लगा हुआ है इस बाइक के ऊपर। तो एक काम करते हैं, एक पूरी लिस्ट खोलते हैं सामान की और उसके बाद बताता हूँ कि क्या क्या सामान लगा हुआ है। थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो जाए सामान की लिस्ट के हिसाब से, पर स्किप करके जल्दी जल्दी करेंगे। और प्लस एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़, मतलब कि इस बाइक पे जितना सामान लगा हुआ है ना, इस बाइक की कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही है इस टाइम पे अगर आप लेना चाहते हो। ये आ गई लिस्ट कम्प्लीटली और देखो कितनी लंबी लिस्ट है। अरे बाप रे, ओ भाई ये इतनी लिस्ट है, माय गॉड। तो चलो फटाफट से कवर करते हैं लिस्ट को एंड सामान दिखाता हूँ। इस बाइक पे बहुत सामान लगा हुआ है और मैंने इतना सामान लगी हुई कोई बाइक देखी भी नहीं है, मतलब कार्स में डेफिनेटली लोग इतना खर्चा कर लेते हैं पर बाइक के ऊपर इतना खर्चा करना आसान नहीं होता। मतलब दिस ये बाइक आती है करीब करीब 20 लाख रुपये की फैट बॉय, एंड 20 लाख रुपये की बाइक पर 10 लाख रुपये का सामान लगाना इट्स समथिंग, मतलब क्रेजी यार। जिसने भी किया होगा ना ये फर्स्ट टाइम, वो मतलब बंदा बिल्कुल ही क्रेजी होगा 100%। इसमें लगा हुआ है फिश टेल एग्जॉस्ट, इसको फिश टेल बोलते हैं, फिश टेल वेंसनाइंस का एग्जॉस्ट इसमें लगा हुआ है ड्यूल साइड, एंड लगा हुआ है इसके अंदर स्क्रीमिंग ईगल का ब्रीदर। तो ब्रीदर मतलब ये एयर फिल्टर होता है, और एयर फिल्टर के ऊपर ये आई ड्रॉप वाला कवर भी लगा हुआ है सिल्वर। तो इस बाइक पे ऑलमोस्ट सब कुछ क्रोम है,
सब कुछ, मतलब हर चीज़ क्रोम लगी हुई है एंड उसी की वजह से ये बाइक थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है। तो इस बाइक को क्रोम करने के लिए यहाँ पे ये ब्रेक कैलिपर असेंबली लगी हुई है एंड ये भी क्रोम कर दी है, ये फ्रंट एंड रियर दोनों पे लगा दी गई है और ये HD का, ये जितना भी सामान है ये HD का ओरिजिनल है, मतलब हार्ले डेविडसन से ही लगा हुआ है सारा सामान। यहाँ पे ये जो मडगार्ड है, मडगार्ड के ऊपर ये जो फेंडर लाइनिंग है इसको कहते हैं फ्रंट फेंडर ऑर्नामेंट, ये लगा हुआ है, प्लस इसमें टेल वाला भी लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे टेल वाला पार्ट और प्लस यहाँ पे ये फोक्स लगे हुए हैं जो रोटेट भी होते हैं, मतलब हवा के साथ में जब बाइक चलती है। यहाँ पे विंड डिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए हैं तो ये भी क्रोम के लगे हुए हैं, प्लस ऑक्सिलरी लैंप्स, ऑक्सिलरी लैंप्स के ऊपर वाले ये वाले कवर, तो ये स्पेशल कवर्स होते हैं जो अलग से लगते हैं, LED हेडलैम्प्स, प्लस ये ऊपर का कवर एंड ये वाला भी कवर इसके अंदर अलग से लगा हुआ है विद एप बार एंड दिस कंप्लीट वायरिंग। ये रियर व्यू मिरर्स, प्लस ये वाले इंडिकेटर्स, इंडिकेटर के ऊपर के ये वाले कवर एंड ये लीवर्स, प्लस यहाँ पे ये ग्रिप्स, तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट चेंज है इसके अंदर। और जो स्पेशल बनाती है इस बाइक को वो स्पेशल बात करेंगे 2 मिनट के बाद। इसमें ये जो स्विच लगे हुए हैं, ये स्विच के ऊपर की हाउसिंग भी क्रोम करी हुई है, प्लस ये स्विच भी सारे क्रोम किए हुए हैं, ये क्रोम नहीं आते, ऑल ब्लैक आते हैं, इनको क्रोम करने के लिए ये सारा सामान लगाया हुआ है। प्लस इसके अंदर ये यहाँ पे बीच में कंप्लीट ये क्रोम डैश एंड एक बहुत ही अल्टीमेट चीज़ कि इसके अंदर जो मीटर है ये मीटर भी ऑल चेंज, ये बीच में पूरा डिजिटल है और यहाँ पे ये RPM की निडल है। यहाँ पे ये क्रोम के अगेन जो स्कल थीम क्रोम दिए हुए हैं और यहाँ पे LEDs भी जलती हैं, मतलब यहाँ पे ये फ्यूल का गेज भी है एक तरह से कि फ्यूल लेवल दिखाता है कि फ्यूल कितना है बाइक के अंदर। के अंदर ये गार्ड्स भी लगे हुए हैं, इसके अंदर ये मॉस्टेज गार्ड फ्रंट वाला एंड प्लस रियर सैडल बैग गार्ड्स, मतलब अगर आप सैडल बैग भी लगाना चाहो तो इस पे लगा सकते हो। यहाँ पे एक टूल किट भी लगा हुआ है, तो ये टूल किट भी अलग से लगा हुआ है, इसके अंदर कंप्लीट टूल किट है, प्लस यहाँ पे ये फुट पैक स्कल थीम वाले एंड आगे भी यहाँ पे ये जो फुट बोर्ड है ये लगा हुआ है, प्लस ब्रेक के ऊपर का ये स्कल थीम का लगा हुआ है। तो इसके अंदर एवरीथिंग इज ऑल, जो भी मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं सारे क्रोम को लेके किए हैं एंड यहाँ पे ये ऑयल लेवल का गेज भी दिया हुआ है जो डिजिटल है। तो गाइस सच बताऊं तो ये लिस्ट पढ़ते पढ़ते मैं थक चुका हूँ, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या क्या बताऊं। अब अगर मैं बात करूं पीछे की नंबर प्लेट की, तो नंबर प्लेट भी ये कर्व्ड वाली स्पेशल लगी हुई है, ब्रेक लाइट भी अलग से लगी हुई है, ब्रेक लाइट का ऊपर का कवर, यहाँ पे ये नीचे क्रोम की प्लेटिंग, तो ये सब कुछ अलग से लगा हुआ है। यहाँ पे ये क्रोम का कंप्लीट गार्ड, तो ये भी क्रोम लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्रोम के कवर्स, तो क्रोम क्रोम एवरीवेयर, मतलब मैं इतना क्रोम क्रोम बोल रहा हूँ कि शायद क्रोम ही है इस बाइक के ऊपर सारा कुछ। और अब बुलाता हूँ मैं कैमरामैन को इस साइड, तो आ जाओ जाकिर भैया इस साइड आ जाओ एंड यहाँ की साइड भी दिखाओ। तो ये गियर लीवर्स जो लगे हुए हैं, ये गियर लीवर्स में भी एक ही साइड आता है हमेशा, तो इसके अंदर ये रेयर मतलब सेकंड गियर लगाने के लिए पीछे भी एक ये पैडल लगा दिया गया है। यहाँ पे स्कल थीम का एक कवर भी लगा हुआ है, हॉर्न कवर, यहाँ पे हॉर्न है, स्क्रीमिंग ईगल की स्पेशल वायर्स, ये परफॉर्मेंस वायर्स होती है, प्लस परफॉर्मेंस प्लग्स भी लगे हुए हैं इसके अंदर एंड इसके अंदर फ्यूल पैक भी लगा हुआ है। तो गाइज लिस्ट मैंने पूरी डाल दी है, लिस्ट में और भी काफ़ी सारा सामान है, पढ़ लेना, मैं ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहता ब्लॉग को। और अब करते हैं इसको स्टार्ट, तो ये अपन ने स्टार्ट किया, यहाँ पे ये रोटेट बटन होता है फैट बॉय में जिससे स्टार्ट होती है, तो ये अपन ने घुमाया और ये मीटर ऑन, अरे भाई मीटर देखो कितना अल्टीमेट है, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये हार्ले का मीटर है। और स्टार्ट करते हैं बाइक को, स्टार्ट हो गई बाइक, मेरी आवाज़ आनी बंद हो गई होगी एंड एक्चुअली ये काफ़ी लाउड है, मतलब लाउड से समझ में आ गया होगा कि जब मेरी आवाज़ आनी बंद हो चुकी है तो ये कितनी लाउड है। और यहाँ पे ये लैम्प जल चुके हैं, ये हेड लैम्प है, ये ऑक्सिलरी लैम्प है, सारा कुछ LED इंडिकेटर जला के दिखा देता हूँ। तो ये जलाए मैंने इंडिकेटर और यहाँ कंप्लीट इंडिकेटर्स जल चुके हैं, तो इंडिकेटर यहाँ के भी जल गए एंड यहाँ के भी जल गए। तो इसमें लगा हुआ है हॉर्न भी एंड वो भी स्पेशल लगा हुआ है, हॉर्न बजा के दिखाऊं बजता है भाई बजता है, तो अब एक बार आवाज़ सुन लो, ओ तेरी ओए होए होए होए, धमाके मार रही है ये तो भाई, देना जरा कैमरा दे, तो जाकिर की शक्ल देखो अब यार खतरनाक सी आवाज़ है, मज़ा ही आ गया सुन के।
अब पता लग रहा है, अब पता लगा कितना शोर हो रहा था यहाँ पे, मतलब शोर का आइडिया लग गया होगा कितना शोर हो रहा था। तो एक चीज़ हार्ले की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब अगर चाबी आपके हाथ में है, आपने इग्निशन बंद किया तो ये ऑटोमेटिकली सेंट्रल लॉक पे आ जाती है, और अगर ये चाबी मैं थोड़ी सी भी दूर लेके जाऊँगा और इस पर कोई बैठेगा ना तो ये चू 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 करने लगेगी लिटरली, इसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता बहुत ईजिली। तो गाइस फाइनली इसकी एसेसरीज वगैरह लगी हुई कैसी लगी, मतलब अपनी वाली बाइक में अपने को क्या क्या लगाना चाहिए वो बता देना, इसमें से कुछ एक चीज़ें लगवा सकते हैं ज़्यादा नहीं। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो है इसके टायर्स, तो यहाँ पे लगा हुआ है स्पोक व्हील जो है 21 इंचेस का जो इस बाइक में नहीं आता है, प्लस पीछे वाला भी अगेन स्पोक व्हील जो है 18 इंचेस का, तो ये इस बाइक को स्पेशल बनाता है, प्लस एप बार, तो एग्जैक्टली ये स्पेशलिटी है इस बाइक की। और बाइक के अंदर करीब करीब सामान लगा हुआ है 10 लाख प्लस का, और इस बाइक की डिमांड है 11,50,000 रुपीज़ ओनली एंड ओनली। तो अगर ऐसी कोई डील लेनी हो तो क्रैक कर सकते हो NS1 पे आके, बहुत सारी और बाइक्स यहाँ पे मिल जाएंगी, कोई भी बाइक लेनी हो, कोई भी एसेसरी लेनी हो, कोई भी गियर्स लेना हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हो NS1 पे। तो गाइस अच्छा लगा, मतलब बाइक देख के मज़ा आ गया ना, बिल्कुल मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ गया, एंड दिस इज़ सुपर अमेजिंग यार। मज़ा तो आ गया, वैसे बाहर से सिर्फ अंदर तक लेके आया हूँ, फील आ गई बिल्कुल, बहुत डिफरेंट चल रही है। एंड और तेरी सुपर यार, इतना शोर मचाती है ये, उफ अमेजिंग, सुपर अमेजिंग।